ओके क्लास, तो अब हम केजीओ एंट्री टेस्ट के लिए जो इंग्लिश का पोर्शन है इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इसकी जो है वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चूंकि दो लेक्चर्स मैंने इस पर दे दिया आपको पहले ही, अब प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। प्रैक्टिस सिंपल, आप जानते हैं कि सिंगुलर, इसका सिंपल रूल ये होता है कि अगर सिंगुलर नाउन हो तो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और अगर एक प्लुरल नाउन है तो फिर वो, या प्लुरल सब्जेक्ट है तो फिर वो हमारे पास एक प्लुरल वर्ब लेता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में एस ए एस नहीं आता, प्लुरल सब्जेक्ट में एस ए एस आता है। वर्ब के साथ रिवर्स है, सिंगुलर वर्ब में एस ए एस आता है और प्लुरल वर्ब के अंदर एस ए एस नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज इजी क्वेश्चन स्टार्ट से करेंगे ताकि देखते हैं आपका कितना कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। अगर आप पढ़ के आए हैं, इफ़ यू हैव ऑलरेडी रेड इट, तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट है द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर, द टीचर हैज़ कंप्लीटेड दिस चैप्टर। क्योंकि टीचर सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर हैज़ है, एस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म आगे कंप्लीटेड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि द टीचर हैज़ कंप्लीटेड दिस चैप्टर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? तो बस अब इस तरह से मुझे बताते जाएं, राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर्स, कंपाउंड सब्जेक्ट है ना भाई हमारे पास, कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल होता है, तो आ रहेगा दो लोग हैं, ठीक है, सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आएगा तो आप मुझे बताना क्या है इशू है, ठीक है, मैं बता दूंगा डिटेल। शी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली, डेली कह रहे हैं मतलब डेली मतलब रोजाना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो रीच या रीचेस में से एक, तो रीचेस बी ऑप्शन होगा। शी आ गया ना भाई, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो रीचेस, वो पहुंचती है अपने ऑफिस 9 बजे रोजाना, ठीक है, क्लियर। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश आल्सो इनवाइटेड टू द पार्टी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, क्या ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, राहुल और उसके दोस्त, तो मतलब बहुत सारे लोग हैं ना भाई, तो प्लुरल लगेगा। अब प्लुरल में तो इज वाज हैड, ये मतलब इज और वाज तो नहीं सकता, सिंगुलर के लिए होता है, तो वर होगा, डी ऑप्शन वर लगेगा, चूंकि प्लुरल के लिए लग रहा है ना भाई, और एक से ज़्यादा लोग हैं, वॉज लगता है सिंगुलर के लिए, वॉज सिंगुलर है, वर प्लुरल है, सही है। तो थोड़ा जल्दी नहीं है इतना, आप तो 15 मिनट में, असल में आप लोग लेक्चर ही ख़त्म करवाया था, एक घंटा आपके पास है, आप आराम से करें, क्योंकि मैंने जितना स्लाइड बनाया हुआ है मैं उतना ही करा था, उसके बाद नहीं कराऊंगा मैं, बट उसके बाद छुट्टी दे दूंगा, कल भी जैसे GK में हमने ऑफ कर दिया था टाइम से पहले, स्लाइड के आगे नहीं कराता मैं, तो आप बड़े आराम आराम से करो, ऐसे जल्दी नहीं है, मतलब गिनती के स्लाइड होते हैं, ठीक है। अब अगर आप जितना तेज़ी करोगे मैं स्लाइड बढ़ाते जाऊँगा, इससे आपका नुकसान है, फिर मैं कभी कभी 100-150 स्लाइड वाले करा देता, तो इतना नहीं करना है, भले 20 स्लाइड करें पर ढंग से करें, मैं ये कहता हूँ, 50-100 स्लाइड कर ले रहे लेकिन बस देखे जा रहे तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप सोच के जवाब दीजिए, ऐसे नहीं डायरेक्ट कुछ भी वॉज वरीज है हमारे, कुछ तो होगा ही ना इनमें से, वो तो हमें ही पता है कि इन 4 में से एक है। अब कोई बच्चा इस कह रहा है, कोई वॉज, कोई है, तो ये तो नहीं है ना, सारे बच्चे एक जवाब दें तो समझ में भी आ रहे हैं कि यहाँ भी सबका एडमिशन होने वाला है। Neither you nor your sister should dash to them. अच्छा देखो, इसके अंदर कोई भी मतलब अग्रीमेंट का रूल नहीं लगने वाला, क्योंकि शुड है ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी प्लुरल फॉर्म में आती है, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं आती। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो क्या आना चाहिए, टॉक आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ऐसे नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, शुड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, मतलब सिंगुलर फॉर्म आनी है, सॉरी प्लुरल फॉर्म आनी है, सिंगुलर नहीं आनी है, विदाउट एस या ईएस आना है। तो ऐसे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे तो आप परेशान मत हो ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखो तो उसमें हम टॉक लगा देंगे। अच्छा, अगर ये शूट नहीं होता ना, अगर ये शूट नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, मान लो शूट नहीं है जुमले में, शूट है ही नहीं जुमले में, शूट काट दिया, नहीं फिर टॉक नहीं रहता, गलत हो गया, टॉक्स हो जाता फिर। नाइदर नॉर का मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन नंबर 5 केस 1 में, कि है ना, ईच है ना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो,
इस केस में बताया था जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है ना, सेकंड सब्जेक्ट जो होता है उसके लिहाज से अग्रीमेंट होता है। ये इस केस नंबर वन का पांचवा एक्सेप्शन है ये, अब सबके पास लिखा हुआ है। तो अब उसमें क्या करेंगे, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर टॉक्स टू देयर, लेकिन यह योर सिस्टर सिंगुलर हो गया ना तो फिर सिंगुलर टॉक्स लगेगा, लेकिन यहाँ शुड आ गया तो ये मामले ख़त्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म ही लगने, मतलब यही लगने वाला प्लूरल फॉर्म, ठीक है, विदाउट एस आई एस। 20 ईयर्स डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म, टाइम है ये, यस टाइम को सिंगुलर कंसिडर करेंगे, यस बिल्कुल सही है, पांचवा हमारा जो है ना वो रूल था, पांचवा केस सही है, यस इज आएगा, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज सिंगुलर, टाइम अमाउंट डिस्टेंस ये तीनों सिंगुलर है। रूल्स बताते जाऊंगा मैं कहाँ कहाँ हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े, क्लियर है यहाँ तक। अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स रिक्वायर्ड डैश फॉर द इवेंट, बुकेट है ना सिंगुलर है, देखो ऑफ फ्लावर्स नहीं देखो, बुकेट देखो, तो बुकेट ऑफ फ्लावर्स फूलों का गुच्छा, तो बुकेट इज सिंगुलर तो इज आना चाहिए, फ्लावर्स को नहीं देखो बुकेट को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑफ का वर्ड जब आएगा तो पहला वाला देखेंगे अगला वाला नहीं देखेंगे। अपेयर, पेयर आ गया सिंगुलर, तो अपेयर ऑफ सॉक्स हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब, क्योंकि पेयर है ना एक जोड़ा है तो पेयर्स तो नहीं है, पेयर्स होता तो हैव आ जाता, बहुत बेसिक सिंपल इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। देखो मच के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, मच के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, जैसे मच हैज बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स, ठीक है, तो मच के साथ हैव नहीं आएगा, तो मच हैज बीन सेड, ठीक है, तो मच के साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा तो हैज लगा। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू डैश रॉन्ग, सिंगुलर वॉज रॉन्ग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ना सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगा, दैट इज वॉज, समझ में आ रही बात सबको, मतलब बहुत ईजी है ये, तो मतलब मैंने जानबूझ के ईजी ही डाला है ताकि आप बता सकें। द कंपनी डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, द कंपनी सिंगुलर है, थिंग्स ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, सिंपल। आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस शेल, शेल आगे देखो, शेल भी एक मॉडल वर्ब भी है, शेल भी मॉडल वर्ब भी है, सिंपल सी बात है, शेल के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ही आती है, या शेल लुक गुड, शेल और विल के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो लुक गुड। ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट, यस ईच और एवरी आ गया, सिंगुलर लेंगे तो हैज टू वोट, क्लियर सही है, तो ईच और एवरी का बताया था, ईच आ जाए एवरी आ जाए तो फिर हैज सिंगुलर आएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश टाइट फॉर द कंट्री, देखो आ नंबर और दा नंबर का मैंने बताया था, आ नंबर प्लूरल है, दा नंबर सिंगुलर है, आ नंबर प्लूरल लेगा और दा नंबर सिंगुलर लेगा, तो आ नंबर आ गया तो प्लूरल, प्लूरल प्लूरल बोला था ना, नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड द एग्जाम और द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग, ये मैंने लिखा है आपको, चौथा एक्सेप्ट ये रूल है, फोर्थ होगा ये रूल, आ नंबर दा नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर आ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स है तो फिर हैव आ गया सिंपल, आ लार्ज नंबर, दा लार्ज नंबर होगा तो फिर हैज हो जाएगा, तो ये रूल्स पढ़ोगे तो हो पाएगा, वरना ऐसा नहीं कर सकते, तुक्का नहीं मार सकते इसमें। हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, हाफ ऑफ द क्लास सिंगुलर आ गया ना, ये काउंटेबल सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर लगाएंगे, तो वर और हैव तो हटाई दो, या तो वॉज या तो हैज, तो स्टेट की बात कर रहे हैं, कमरा खाली था आधा तो वॉज एम्प्टी, सही बात समझ में आ गई बात, वॉज एम्प्टी बी ऑप्शन, हाफ ऑफ द क्लास वॉज एम्प्टी, ये वर एम्प्टी नहीं होगा यहाँ पर, चूँकि मैंने बताया था कि फ्रैक्शन ऑफ नाउन, अब नाउन अगर काउंटेबल है तो हम देखते हैं सिंगुलर है कि नहीं, तो क्लास काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल में भी सिंगुलर है, अब जब ये क्लास सिंगुलर आया तो फिर हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सो तो वर्ब सिंगुलर हमारे पास क्या है, वॉज, वर्ड नहीं आएगा, सही है।
हाँ हाफ ऑफ द क्लासेस हो जाता तो फिर हमारा एम्प्टी हो जाता है, फुलर्ड हो जाता है, समझ में आ रही बात। ये तीसरा आपका जो रूल था फ्रैक्शन वाला, केस थ्री में लिखा हुआ है आपने, फिजिक्स डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यस इज है, अगर चाहे आखिर में एस आ रहे लेकिन सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, तो फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है क्लियर। द क्वालिटी ऑफ फूड हियर डैश गॉन डाउन, क्वालिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा लें, हैज गॉन डाउन, क्वालिटी को देखते हुए लगा लिया, सिंग क्वालिटीज होता तो हैव हो जाता। माई मदर अलॉन्ग विथ अदर्स डैश वरिड, ब्रदर को बताया था अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू एज वेल एज, इन सारे वर्ड में पहले वाले को देखते हैं। माई मदर अलॉन्ग विथ अदर्स वॉज वरिड, क्या बात है यार तुम लोगों की, सही बता रहे हो, अच्छा आप बहुत बेहतरीन बता रहे हो, ठीक है इंग्लिश उसके आप दोनों बता रहे हो, स्किल्स अच्छी है। स्कूलिंग कहाँ से की है? ओहो मेट्रोपोलिस अकेडमी, विच कैंपस? मेन कैंपस गुलबर्ग कैंपस, सर्वेस भट्टी, ओहो ओके। तो दैट इज वॉस यहाँ पर आ गया कि माई मदर अलॉन्ग विथ अदर्स डैश वरिड, तो वॉस वरिड बिकॉज अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ एज वेल एज दीज वर्ड्स जब ये आएंगे तो माई मदर मतलब जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके क्लास से वर्ब अग्री करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया वॉस। नन ऑफ द कैंडिडेट्स, तो नन का मैंने बताया था नन आ जाए तो फिर हम देखते हैं वर्ड आगे कौन सा है, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लगा देंगे, तो नाउ नन ऑफ द कैंडिडेट्स थर्ड फॉर्म आई ना तो हैज़ या हैव, क्योंकि प्लुरल लिखना है तो प्लुरल किस में आएगा, हैव में आएगा, हैव रिस्पॉन्डेड, क्योंकि वर्ड नहीं होगा, वर्ब भी अगर चाहे प्लुरल है लेकिन रिस्पॉन्डेड आ गया ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज़ हैव लगाना है, परफेक्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। तो और चूंकि नन नन को देखते हुए हम फैसला नहीं करेंगे, नन अगर आ जाए तो मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में बताया था कुछ कि वो नन के बाद जो वर्ड होगा वो फैसला करेगा कि सिंगुलर वर्ब लगाना है कि प्लुरल वर्ब लगाना है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन केस नंबर थ्री हमारा वो था, ठीक है देख लेना आप उसको। ही डैश कुकिंग इन हिज लेजर टाइम, वेरी इजी, ही एंजॉयज कुकिंग, सिंगुलर है सिंपल, ही के साथ वैसे ही ऐसे ऐसा है एंजॉयज। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डैश क्वाइट इनसाइटफुल इज, आर क्यों रही चूंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज द नेम ऑफ द बुक, तो उसको सिंगुलर एक बुक की बात कर रहे हैं, भले उसके अंदर वो प्लुरल के सेंस आ रहा है लेकिन किताब का नाम है तो हम उसको इज ही लिखेंगे क्योंकि एक किताब मुराद ली जा रही है, तो द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज क्वाइट इनसाइटफुल, आर नहीं लिखेंगे। हाँ अगर सिर्फ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लिखा जाता तो फिर वो आर हो जाता एज अ वर्ड अगर हम उसको काउंट करते हैं तो, ठीक। $2 डैश अ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि डॉलर्स अमाउंट आ गया तो इज हो जाएगा, दैट्स इजी डी ऑप्शन। अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स डैश स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, बहुत से स्टार्टअप शुरू हुए गुज़िश्ता कुछ सालों पहले। अलॉट ऑफ स्टार्टअप्स, अलॉट ऑफ आ गया तो बहुत सारा मतलब प्लुरल सेंस आ गया तो हैव हो जाएगा, अलॉट ऑफ स्टार्टअप्स मतलब प्लुरल सेंस आ रहा हैव आ जाएगा। पॉलिटिक्स डैश बी इन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स, पॉलिटिक्स है ना अगर चाहे ऐसा आ रहे बट सिंगुलर ही कंसिडर करें, यस यस पॉलिटिक्स हैज बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। नाइदर ऋषि नॉर रिया डैश हेल्पफुल, अब देखो नाइदर नॉर जब आएगा तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिहाज से फैसला करेंगे, तो रिया है तो सिंगुलर ही है तो क्या हो जाएगा वॉज हो जाएगा, नाइदर ऋषि नॉर रिया वॉज हेल्पफुल, सेकंड वाला सब्जेक्ट देखते हैं, ये भी रूल मैंने एक्सेप्शन में आपको लिखा है, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो ये सारे लिखाएं। A series of seminars, a series of seminars, ये तो बड़ा मसला है, आ भी आ गया और सीरीज भी आ गया, आ सीरीज तो क्या कंसिडर करेंगे सिंगुलर के प्लुरल, सिंगुलर कंसिडर करेंगे उसको, प्लुरल है अगर से आ गया, आ सीरीज ऑफ सेमिनार्स तो सीरीज आ गया ना ये तो प्लुरल आया ये हमारे पास, तो सीरीज इज एक्चुअली मल्टीपल सीरीज ऑफ सेमिनार्स है ना, तो बहुत सारे सेमिनार्स की बात कर रहे हैं तो सूरत में हमारे पास ये प्लुरल कंसीडर होगा, आ को देखते हुए आप इसमें नहीं लगा सकते दैट इज वॉस, तो ये गलत हो जाएगा, तो वैसे बहुत सारे बच्चे इसमें वॉस ही लगाते हैं आ को देखते हुए कि वो सिंगुलर कंसीडर कर रहे होते हैं बट ये प्लुरल है, ठीक है। ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डैश शट डाउन, ये तो वैसे ही प्लुरल हो गया तो बताओ ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हैज़ या हैव आएगा, हैज़ या हैव
हैव आएगा, शट डाउन है ना, थर्ड फॉर्म आ गई शट डाउन। शट की वजह से तीनों फॉर्म शट ही होती है, शट शट शट, तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है शट डाउन। शटेड डाउन तो नहीं होगा ना, तो शट को थर्ड फॉर्म यही रहती है। माई ग्लासेस डैश नो वेयर टू बी फाउंड, ग्लासेस ग्लासेस एक प्लूरल वर्ड है। माई ग्लासेस आर आई, तो मतलब माई ग्लासेस आर नॉट गुड, जो ग्लासेस आर लुकिंग गुड, ये नहीं कहते ग्लासेस इज लुकिंग गुड, ग्लासेस आर लुकिंग गुड कहा जाता है। तो ग्लासेस दिस सिंगल वन ग्लास एंड द सेकंड ग्लास, तो ग्लासेस हमारे पास एक प्लूरल वर्ड ही है, सिंगुलर वर्ड नहीं है ये, ठीक है। उसको ग्लासेस के साथ आ रहेगा, याद रखिएगा। ये भी एक मुश्किल बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसमें सिंगुलर काउंट करते हैं, बट ये प्लूरल है। दैट वुमन डैश वेजिटेबल्स, सिंगुलर है, यस सेल्स हो जाएगा, सिंगुलर है। इट डैश दीज पेपर्स दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, दीज पेपर्स की बुनियाद पर नहीं, इट के साथ इजी आता है आगे, हम उसमें इट इट को देखते हैं ना, इट इट इज दीज पेपर्स, इट इज दीज थिंग्स विच आई एम लुकिंग फॉर, तो इट के साथ इज आएगा। इट के मतलब हाँ, देयर और हेयर जो आता है ना, अगर देयर आ तो देयर को हम आगे को देखते हुए लगा, देयर इज देयर आर हो सकता है, लेकिन इट के साथ इजी होगा, इट के साथ आर नहीं हो सकता। जैसे इट आर दोस्त पेपर्स तो नहीं कह सकते ना हम, इट इज इट आर तो सुनने में भी कभी नहीं आओगे, इट आर आपने कभी सुना है कभी, इट इज ही कहते हैं, तो इट के साथ कभी भी नहीं आता। हाँ देयर के साथ देयर इज देयर आर दोनों हो सकता है, इट के साथ के हमेशा यूज होगा। ये एक्स्ट्रा रूल्स भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ साथ, तो आप उसको देखते रहें। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डैश गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन सून, यस यूनाइटेड स्टेट्स इज अ सिंगल कंट्री, तो इज आएगा इसके अंदर, आर नहीं आएगा। अब आप स्टेट्स के एस देकर आप उसका पुनर नहीं बना सकते, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन सून, जल्दी वो इलेक्शंस कंडक्ट करने वाले हैं। मींस साउथ अफ्रीका डैश ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट, वॉज ऑल आउट, हाँ स्टेट है, वॉज ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट। साउथ अफ्रीका सिंगुलर ही आएगा ये कंट्री का नाम। अब देखो यहाँ पर दे आर डैश प्लेंटी ऑफ स्पेस, प्लेंटी सिंगुलर है, प्लेंटी ऑफ स्पेस, दे आर वॉज plenty of space for guest at the venue. अच्छा दे आर तो नहीं होगा ना, सिंगुलर लगाना है, दे आर इज होता तो वो भी सही हो जाता। एंटर यू सॉरी आइदर यू और आई शुड डैश, शुड आ गया तो वैसे फर्स्ट फॉर्म लगा दो यार, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक लगेगा, शुड आ गया ना तो बात ही खत्म हो गई। द ज्यूरी डैश बीन अनएबल टू डिसाइड येट, सारे ज्यूरी मिलकर उसको अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंगुलर, सिंगुलर जी मैंने बताया था ना कि अगर ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्शन ऑफ पीपल अगर मिलकर एक ही काम करें तो सिंगुलर काउंट करेंगे, मिलकर अलग अलग काम करें तो प्लूरल काउंट करेंगे। नहीं ना, अनेबल टू डिसाइड येट, मिलकर ये सब डिसाइड नहीं कर पा रहे ना, तो सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि डिसाइड नहीं कर पा रहे, अलग अलग काम थोड़ी ना कर रहे, तो ये सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। हैज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अरे आ तो आ गया लेकिन प्लूरल ही है, जैसे आज सीरीज वाला था, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल लगा दो, क्या लगेगा, फेल आएगा ना, प्लूरल फेल टू क्लियर देख, तो आ की वजह से आप इसमें नहीं लगा देना कि सिंगुलर है, ठीक है। माई एप्लीकेशंस प्लूरल हो गया, ऐसा ही है, तो लगाओ प्लूरल लगाओ, चलिए लगाओ, सही है, एप्लीकेशन आ गया ना तो वैसे ही ऐसा आ गया एंड में। द क्राउड डैश डिस्पर्स बाय द पुलिस, सब को एक साथ ही डिस्पर्स किया गया, क्राउड है ना, तो क्राउड है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर कंसिडर करेंगे, वॉज आएगा ना, वर कहाँ, सबको एक साथ कर रहे हैं ना, रूल है ना, एक ही रूल बार बार आ रहा है, उसको देखो। द रूलर एंड द मिनिस्टर, ये भाई ये देखो दोनों से पहले द आ रहा है, तो दोनों अलग अलग लोग हैं, तो कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, प्लूरल कंसीडर करेंगे, हैज बीन नहीं, चूंकि रूलर अलग है मिनिस्टर अलग है, अगर लिखा होता था रूलर एंड मिनिस्टर तो फिर हैव हो जाता, सॉरी फिर हैज हो जाता, चूंकि फिर एक ही बंदा, याद नहीं आया वो,
द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, मैंने आपको लिखाया था इसमें कैसा रूल कि दोनों के साथ द आएगा तो प्लुरल है, एक के साथ फर्स्ट वाले के साथ द आएगा तो सिंगुलर है। ये यहाँ पर हमारे पास प्लुरल सेंस दे रहा है तो ये भी हमने हैव बीन यूज़ किया है। द गवर्नमेंट विल आ गया तो भाई आराम से लगा लो प्लुरल फॉर्म, पास आधी खत्म हो गई। द पुअर डैश सफर्ड अलॉट ड्यू टू द पेंडेमिक, अच्छा पुअर से पहले जब द आ गया है ना तो यहाँ ये प्लुरल सेंस दे रहा है, गरीबों कह रहा है यहाँ पर, तो ये गरीबों इसका मतलब है। अरे सुन तो लो, ऐसे वैसे चिल्ला रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि ये प्लुरल सेंस दे रहा है, प्लुरल सेंस दे रहा है सिंगल, अगरचे पुअर्स नहीं लिखा हुआ है लेकिन जब द पुअर का आ गया है तो उसका मतलब द पुअर सफर्ड अलॉट ड्यू टू द पेंडेमिक, कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से गरीबों को बहुत ज़्यादा नुकसान मुबतला हुआ है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अब बताओ क्या लगाएंगे, हैव लगेंगे ना भाई। तो ये नहीं कह रहे कि पुअर से मतलब एक अगहा अगर ये होता पुअर मैन आ पुअर बॉय आ पुअर गर्ल तो सिंगुलर, लेकिन द पुअर का आ गया तो गरीबों मतलब की बात कर रहे हैं। एक तुम भी सुनते हो लग रहा है, मुस्कुरा रहे हो, नहीं सुनो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो गरीब, तो तुम भी वो सब चीज़ें ठीक है, असलिंग में जो वो जो टीचर्स को जो बुरा भरा कहते हैं ना वो मुझे समझ मुझे पसंद नहीं आता, वो क्योंकि वो उसमें आकर फेसबुक में आकर वो टीचर्स को गलत कहते हैं, टीचर गलत नहीं पढ़ाते हैं, बिला वजह करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं बच्चों का और कुछ नहीं करते हैं और कुछ फ़ायदे ही नहीं उनका, बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 रुपये की बातें उसकी मुझे समझ में नहीं आती, मतलब ये मैं लाइव ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उसमें तो वो गलत है, टीचर्स की रिस्पेक्ट है। शाहिद अनवर साहब की बात कर रहे, आप छोड़ दें आप नहीं सुने उनको, ठीक है, लेकिन वो बहुत मतलब बहुत माइंड ख़राब करने वाली बात है ना ये टीचर्स की तरफ से बच्चों को। कल भी मैं बात कर रहा था, मुझे अफसोस क्योंकि टीचर्स वो कहते हैं टीचर का काम पैसा कमाना सिखाना ही नहीं आपको भाई, टीचर का काम आपको इंसान बनाना है, आपको सही और गलत की तमीज़ बताना है, आपको अच्छा इंसान बनाना है, टीचर का मेन काम ये है। वो तो अलग बात है, टीचर का एक सेकेंडरी काम ये है कि वो आपको ये सब चीज़ें सिखाते हैं, पैसे कमाना सिखाते हैं, डिग्री देना सिखाते हैं, इंजीनियर बनना डॉक्टर बनना, लेकिन टीचर का मेन काम है आपके पर्सनैलिटी के अंदर तब्दीली लेकर आना, ये टीचर की जिम्मेदारी है, ये टीचर का वलीन फ़र्ज़ है, जिसकी पूछगछ उसके क़यामत के दिन की जाएगी, ये वो बात है। तो टीचर का काम ये है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका स्टूडेंट आगे जाकर वो दुनिया में कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, वो खुद कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहा, इससे कोई तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। टीचर तो एक लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह, जब अपनी जगह पर मौजूद है लोग उसके ऊपर चढ़ के चले जा रहे हैं, तो वो बंदा फिर गलत बातें करता है उसके बारे में ना, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, उससे हमारे बच्चों के जहन में भी गलत आता है, वो फिर खुद भी लोगों से गलत ही बोल रहे होते हैं। लेकिन ऐसे चीज़ों को बैंड करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर उसको चलने की इजाज़त होनी नहीं चाहिए। टीचर्स को बुरा भला क्यों कहा जा रहा है, जबकि जाहिर सी बात है एक बड़ी तादाद है जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करती है हमारी सोसाइटी के अंदर, और सिर्फ पैसे नहीं कमाना सिखा रहे तो वो नहीं आप खुद फ्रॉड करें लोगों के साथ, बहुत सारी चीज़ें, तो वो पैसा लेकर और रिकॉर्डेड लेक्चर और ये सब चीज़ें गलत है ना, ये सब चीज़ें। तो भाई मैं बता रहा था, तो वो गरीबों तब पुअर बड़ा कहते हैं वो अपने जुमलों में ना, तो वो वहाँ से मुझे याद आ गया कि पुअर मतलब होता है गरीबों, तो वो अभी ऐसे ही कभी कराऊंगा ना टिकटॉक फेसबुक कुछ भी उसमें आते रहेंगे भाई सब, पता नहीं फेसबुक भी उसी को सजेस्ट करता था उठा के, कोई अच्छी चीज़ कर दो सजेस्ट, अच्छी चीज़ नहीं करेंगे। और कोई इस्लामिक चीज़ के बारे में लगा दो तो उसमें कॉपीराइट लगा देते हैं फेसबुक वाले, मतलब उसमें कम्युनिटी स्ट्राइक लगा देते हैं। वो मैंने ऐसे ही मुहर्रमुल हराम के महीने में ऐसे ही लगा दी एक पोस्ट, उसमें मतलब इसी तरह से शेर व शायरी करके मतलब मुहर्रम की नस्बत से लगा दी, अब वो उसमें उन्होंने कम्युनिटी स्ट्राइक डाल दी, मतलब वो फेसबुक पर बैन कर, मतलब आप मतलब वो इस्लामिक चीज़ें आप डाल ही नहीं सकते हैं, आप आईडी बंद कर देंगे बैन कर देंगे, जबकि उल्टे पुल्टे टीचर्स को बोल रहे हैं उनकी आईडी नहीं बैन हो रही है और ये अच्छे कामों में बैन कर दे रहे हैं, तो उल्टी सोच है ना इनकी, अंग्रेज लोग हैं तो हमको पता है ये लोग क्या इस्लाम को तो नहीं कभी आगे सपोर्ट करेंगे, मतलब पहले इतनी सख्ती नहीं थी, बहुत सख्ती कर दी है, स्ट्राइक आ जाती है कि आप गलत चीज़ लगा रहे हो, पता नहीं क्या भाई अंग्रेज उनका बनाया हुआ है भाई, तो बस उसकी मर्जी जो करें वही वाली बात। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, देखो हैव आएगा चूंकि कंपाउंड सब्जेक्ट है ना, बट प्लुरल आ गया तो हैव हो गया सिंपल। द इवेंट डैश अर्लियर देन इट इज शेड्यूल्ड, द इवेंट तो इवेंट सिंगुलर है तो बिगिंस हो जाएगा, ये सिंगुलर है तो मैनी पीपल डैश रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स,
मैं नहीं हो गया ना तो प्लूरल कंसिडर करते हैं तो हैव रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स टू थर्ड ऑफ द पेंट्री डैश फुल टू थर्ड्स ऑफ द पेंट्री सिंगुलर है तो यस किस हो जाएगा फ्रैक्शन आ गया ना ये द टाइमिंग डैश इन अप्रोप्रिएट द टाइमिंग वॉज इन अप्रोप्रिएट सिंगुलर है द पैकेज डैश टू बी कैरिड केयरफुल पैकेज सिंगुलर है इज टू बी कैरिड या इज ही होगा सही इज टू बी कैरिड जोशुआ विथ हिज मेंबर्स रियली डैश तो पहला वाला देख लेंगे जोशुआ को देखते हुए विथ अलॉन्ग विथ सिंक्स हो जाएगा सिंक्स वेल लास्ट क्वेश्चन है वी शुड डेफिनेटली डैश दैट लेक वी आ गया ना भाई वी शुड आ गया तो वैसे ही आएगा मेरे पास फर्स्ट हूँ